हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं आईसीआर के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया द असेसरी बिल्डिंग प्रेजेंट इन लाइव स्टॉक फार्म इज, ऑप्शन दिया गया क्वारंटाइन सेट, आइसोलेशन बॉक्स, मिल्किंग पार्लर, कॉबिंग बॉक्स। इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर है क्वारंटाइन सेट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ब्लड थ्रो इंट्राविनस रूट इज पॉसिबल इन कैटल थ्रो, को ऑप्शन है जुगलर वेन, सिफेलिक वेन, कैरोटिड आर्टरी, नन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है जुगलर वेन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमीनो एसिड विच फर्स्टली अंडर गोज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ऑप्शन है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, लाइसिन एंड ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूमिनेंट राशन बाईपास प्रोटीन इज द प्रोटीन दैट, ऑप्शन है डज नॉट अंडरगोज रूमिनल डिग्रेडेशन, सेकंड ऑप्शन है अंडरगोज रूमिनल डिग्रेडेशन, थर्ड ऑप्शन है डज नॉट अंडरगोज उमेजल डिग्रेडेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका जो पहला आंसर है डज नॉट अंडरगोज रूमिनल डिग्रेडेशन, ये पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरिएंस रेशियो इज टेस्टेड बाय, ऑप्शन है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट एंड नन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है एफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड वेरियंस इज 9, द व्हाट इज ए स्टैंडर्ड एरर, क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है 3/4, 4/3, 5/9, 9/5। तो इसका जो सही आंसर है 3/4, यानी कि पहला आंसर है। इसकी एक कैलकुलेशन होती है जो इसका फार्मूला होता है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू होता है वेरियंस अपॉन ऑब्जर्वेशन, अंडर रूट में होता है, तो जो उसका सॉल्व करते हैं तो 3/4 करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिग्रेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम, कितना होनी चाहिए रेंज, -1 to +1, -∞ to +∞, 0 to 1, नन ऑफ दी एबव। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन है -∞ to +∞। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, ऑप्शन है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस। कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है रेंज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेंस स्टैंड हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस 5CC CCC है, ट्रिपल जी है, फिर डैश है 3, देन इट्स ए पैलिंड्रोमिक इन द एंटी सेंस स्टैंड, इसका कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर CCC होगा, यानी कि पहला इसका आंसर सही जाएगा। जस्ट इसका क्या होता है, जो आप क्वेश्चन दिया गया है CCC and CCC का जस्ट मतलब वो करेंगे पैलिंड्रोमिक में उल्टा होता है, साइटोसिन के स्थान पे ग्वानिन आ जाएगा, ग्वानिन के स्थान पे साइटोसिन आएगा। तो इसका पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन F2 जनरेशन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप हैविंग बोथ एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या आंसर सही होगा? इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन पूछा गया है, ऑप्शन है 4/16, 2/16, 1/16 एंड 9/16। तो इसका जो सही आंसर आएगा सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में पूछा गया डाई हाइब्रिड के केस में, तो 4/16 यानी कि पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटीकोडान इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ आरएनए, मतलब एंटीकोडान किस टाइप के आरएनए में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन है mRNA, tRNA, rRNA, cRNA। इसका सही आंसर है बी, यानी कि tRNA इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लान इन डेयरी सेक्टर इज, कौन सी डेयरी प्लान सबसे मतलब लंबी है, ऑप्शन है नेशनल डेयरी प्लान, मास इनफर्टिलिटी कैंपेजियम, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी।
तो इसका कौन सा सही है? तो पहला आंसर सही जाएगा नेशनल डेयरी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन केजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ जेबू कैटल के केस में आपको मेंटेनेंस राशन बताना है। ऑप्शन है 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, कौन सा सही है? तो इसका जो मेंटेनेंस राशन में अगर देखा जाए जेबू कैटल के केस में 1 kg इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन चिकन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बताना कितना होता है? 38, 78, 50, 74। तो ये तो सभी को पता होगा 78 इसका राइट आंसर है। द रैम मेल शिप का जो रैम होता है इस पर सोविंग फॉलोविंग क्रोमोसोम पैटर्न किस टाइप का, मतलब मेल में जितने भी मेल होते हैं उसमें किस टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है 27Y, 27X, आइदर 27Y और 27X, फिर डी ऑप्शन है 52+XY, इनमें से कौन सा सही होगा? इसका जो सी आंसर है आइदर 27 और 27X इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी लाइट अफेक्ट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑफ सेल बाई किसके द्वारा अफेक्ट करती है इसमें अगर यूवी लाइट पड़ती है? तो ऑप्शन है थायमिन डीमिनराइजेशन, फिर सेकंड ऑप्शन है थायमिन स्कैफोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है थायमिन हाइड्रोलिसिस, फोर्थ ऑप्शन है थायमिन स्ट्रेटिफिकेशन, इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से पहला जो आंसर है थायमिन डीमिनराइजेशन इज करेक्ट आंसर, पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विथ ए गिवन जीनोटाइप दैट एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज नोन एज, ऑप्शन है एपिस्टेसिस, एक्सप्रेसिविटी, पेनिट्रेंस एंड रिसेसिव, इनमें से कौन सा सही होगा? परसेंटेज के केस में मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर है पेनिट्रेशन, यानी कि सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट इज, ऑप्शन है लीफलेट, फ्लैश कार्ड, फ्लैश चार्ट, पंपलेट, इनमें से कौन सा सही होगा? एक सिंगल शीट पेपर जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सिंगल शीट वाला लीफलेट होता है। पंपलेट, फ्लैश कार्ड, ये मतलब बहुत सारे होते हैं, इसमें जो सिंगल शीट वाला है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंस कोडान, इसमें आपको सेंस कोडान बताना है कि कौन सा सेंस कोडान है? ऑप्शन है UAC, UAA, UGA, UAG, कौन सा सही है? 69 का पहला आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन वो आंसर है UAC इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन टू अप्लाई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज नोन एज, ऑप्शन है इनोवेशन, एडॉप्शन, ट्रायल, अवेयरनेस, कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है एडॉप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलेंट हीट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, साइलेंट हीट किसका करेक्टर फीचर है? ऑप्शन है सीप, गोड, बफेलो एंड पिग, ये तो सभी को पता होगा, इसका जो सी आंसर है बफेलो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ गोट द मिल्क इज स्टोर्ड मेनली इन, गोट के केस में बताना है मिल्क कहाँ पे स्टोरेज होता है? एल्वुलस, लोब्यूल, सिस्टर्नी एंड नन, कौन सा सही है? तो इसका मतलब गोट के केस में है तो इसका सिस्टर्नी, यानी कि सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए प्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ, ऑप्शन है स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर एंड स्टर्नम, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जाएगा बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में ट्रांसफेरिन प्रोटीन किस में कौन सा कंटेंट होता है? आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड कैल्शियम, किसका होता है? ये तो सभी को पता होगा कि आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन आर लोकेटेड इन, मतलब रिस्पायरेशन सेंटर को जो रेगुलेट करता है वो कौन सा है? ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिगेटा, पोन, सेरिबेलम एंड बोथ होगा,
तो इसका डी आंसर इज राइट आंसर, मेडुला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपिंग प्रोसेस इन केस ऑफ शीप इज यूज टू इरेडिकेट, किसके लिए की जाती है डिपिंग? ऑप्शन है एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिस अकर ड्यू टू, हेट्रोसिस मतलब किसके कारण से होता है? एडिटिव जीन है एक्शन, नॉन एडिटिव जीन एक्शन, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है नॉन एडिटिव जीन एक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिस द मॉइस्चर परसेंटेज इन कंसनट्रेट कितना होना चाहिए? 11%, 15%, 20%, 22%। तो इसका जो पहला आंसर है 11% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट नाइट्रोसो होमोक्रोमाइजन इन मीट विल प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? ऑप्शन है ब्राउन, पिंक, येलो, नन ऑफ दी एव, कौन सा कलर होता है? तो इसका जो सही आंसर है पिंक कलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेशन फ्लूड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैड प्लेड ए मेजर रोल? कौन सी ब्रीड है जो मतलब फ्लूड प्रोग्राम में ज़्यादा रोल प्ले करती है? ऑप्शन है मुर्रा, रेड सिंधी, थार पारकर, सुरती। ये तो सभी को पता होगा मुर्रा ही होगी, क्योंकि फ्लूड प्रोग्राम का मतलब यहाँ मिल्क प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरमा इज लोकेटेड एट आनंद, इज्जत नगर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कहाँ पे है? इरमा आनंद में प्रेजेंट है, इज्जत नगर में, सभी को पता होगा IVRI में है, ये गुवाहाटी पी के लिए फेमस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू आर इन सैको मेथड ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन यूजेज बैग, किस टाइप का मतलब बैग यूज किया जाता है? नाइलॉन, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, बोथ ए एंड बी। तो इन सीटू मेथड में दोनों यूज किए जाते हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इज कॉलेज, टाउन, विलेज, नन ऑफ दी एबव। इनमें से मतलब कम्युनिटी का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है। कम्युनिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विलेज है, विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के बीच जो अनरिलेटेड एनिमल होते हैं उनके बीच जो मेटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्या बोला जाता है इसको? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, मतलब आउट क्रॉसिंग जाएगा। अगर यहीं पे मतलब अनरिलेटेड के स्थान पे रिलेटेड पूछ लेता तो इसका इन ब्रीडिंग आंसर होता, यानी कि पहला आंसर फिर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल फॉर एनिमल ब्रीडर इज आर सेलेक्शन, मेटिंग सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव, कौन सा इसका सही है? इसका जो मतलब तीसरा आंसर है बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलिंग ऑफ एनिमल बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद एनिमल की बॉडी ठंडी पड़ जाती है उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, बोथ ए एंड बी, नन। इसका सही आंसर है बॉडी यदि ठंडी पड़ जाती है तो एल्गोर मोर्टिस कहलाती है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफेलो ब्रीड विथ शॉर्ट शेप हॉर्न, किस बफेलो की कौन सी ब्रीड है जिसका मतलब हॉर्न शॉर्ट शेप यानी तलवार के जैसा होता है? ऑप्शन दिया गया जफराबादी, नागपुरी, सुरती, मुर्रा, कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, नागपुरी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ बफेलो पर डे, मतलब कितना बफेलो का ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट पर डे जरूरत पड़ती है? ऑप्शन दिया गया है 2 to 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, सेकंड ऑप्शन है 3 to 5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, थर्ड ऑप्शन है 2.5 to 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट, फोर्थ ऑप्शन दिया गया 3.5 to 4 kg पर 100 kg बॉडी वेट, कौन सा सही होगा? तो इसका जो 2.5 है यानी कि बी, इसमें जो बी लिखा है वो सी आंसर होगा। एक्चुअली में इसका सही आंसर है 2.5 to 3 kg
पर 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। जो पहला आंसर है 222.5, ये आपको कैटल के लिए मतलब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल दैट कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली। जो अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल होता है कैलकुलेट इनडायरेक्टली किया जाता है किसके लिए? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के लिए, क्रूड फैट, क्रूड प्रोटीन, नन। इनमें से कौन सा अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ये यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल चिक्स आर डेवलप्ड बाई। कमर्शियल जो चिक्स डेवलप किए जाते हैं वो किस प्रकार की क्रॉसिंग होती है? टू वे क्रॉसिंग होती है, फोर वे क्रॉसिंग होती है, थ्री वे क्रॉसिंग होती है? कौन सी क्रॉसिंग होती है? कमर्शियल चिक्स के लिए इसका फोर वे क्रॉसिंग यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशो ऑफ VFA यानी कि वोलेटाइल फैटी एसिड, ऑप्शन दिया है एस्ट्रिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड प्रोडक्शन इन द राशन। आपका रेशियो बताना है कि कितना रेशियो होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया 50:20:30, सेकंड ऑप्शन है 65:20:10, थर्ड ऑप्शन है 4:30:30, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सेकंड वाला आंसर है 65:20:10, ये सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्रेड्स, ऑप्शन है गैट, ट्रिप्स, CFTRI, FAO, कौन सा सही है? इसका पहला आंसर सही है GATT, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज स्यूडो रोमिनेंट, इनमें से कौन सा एनिमल स्यूडो रोमिनेंट्स की कैटेगरी में आता है? ऑप्शन दिया गया कैमल, वेकोना, एल्पैका, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फोर्थ यानी कि ऑल ऑफ द अबव, चारों इस कैटेगरी में आते हैं तीनों। द मोस्ट यूज्ड एनिमल बाय प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा बाई प्रोडक्ट एनिमल का क्या यूज किया था? बोन, ब्लड, वूल, हाइड, कौन सा? तो इसका जो मतलब फोर्थ ऑप्शन है हाइड, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इज मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आयरन किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है? नेक्स्ट है फेरिक, ऑप्शन दिया गया है फेरिक क्लोराइड, फेरिक ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, फेरस सल्फेट सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द लिग्निन इज केमिकली, लिग्निन मतलब केमिकली क्या होता है? पॉलीफिनाइल होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, फास्फोलिपिड होता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा सही है? जो लिग्निन होता है पॉलीफिनाइल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अमीनो एसिड आर मोस्टली इन विच नेचर, अमीनो एसिड ज़्यादातर किस नेचर के होते? अल्फा, बीटा, गामा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट मतलब इसका सही आंसर है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर कैटल एंड बफेलो आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जो मतलब कैटल बफेलो की एनर्जी होती है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है TDN फॉर्म में, SE फॉर्म में, DE फॉर्म में, ME फॉर्म में, कौन से फॉर्म में करते हैं? इसका सही आंसर है TDN फॉर्म में, यानी पहला आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लिपिड कंटेंट इन द रूमिनेंट डाइट इन इंक्रीज अबाउट 10%, देन ऑप्शन दिया गया एक्टिविटी ऑफ रूमिनेंट माइक्रोब्स आर रिड्यूस, फिर सेकंड ऑप्शन द फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर इज रिटार्डेड, थर्ड ऑप्शन है फीड इनटेक फॉल, फोर्थ ऑप्शन है नन। इनमें से कौन सा मतलब सही है 10% से ज़्यादा इंक्रीज करता है? ये सेकंड ऑप्शन द फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर इज रिटार्डेड यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ये एग्जाम में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन द फ्लशिंग इज ए रूटीन प्रैक्टिस डन, ऑप्शन दिया गया बिफोर ब्रीडिंग सीजन, आफ्टर ब्रीडिंग सीजन, बोथ ए एंड बी, नन। इनमें से कौन सा सही है?
तो इसका जो सही आंसर है बिफोर ब्रीडिंग सीजन, यानी कि पहला आंसर इसका सही है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।